बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, बहुत भयंकर तूफान, और उसका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कितना असर होने वाला है, कैसे आपको सावधान रहना है, और अभी क्या स्थिति है उस तूफान की, सब कुछ बताऊंगा। चलिए, दाना तूफान आने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवाती तूफान दाना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और खतरनाक होता जा रहा है। आज यानी 24 अक्टूबर की रात या फिर 25 अक्टूबर की सुबह ये खतरनाक दाना तूफान पुरी और सागर द्वीप के बीच उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा। मौसम विभाग ने दाना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसकी गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की हिदायत दी है। तूफान का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलेगा, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। इन दोनों ही प्रदेशों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ज्यादा असर इन दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा, लेकिन असर देश के 7 राज्यों पर भी पड़ेगा। उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दाना से निपटने के लिए देश कितना तैयार है, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। दिखाइए रिपोर्ट। कि 4x7 हेल्पलाइनों चालू अच्छे। साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है। इवनिंग 5:00 से लेके नेक्स्ट डे 9 बजे तक, मतलब 25 तारीख 9 बजे तक, इसमें से अराउंड 40 फ्लाइट करीब अफेक्टेड होंगे। ओडिशा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। दाना के लिए सब हाई अलर्ट में है। कोई भी यदि बाढ़ आएगा तो हम लोग निपट लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हर 1 घंटे इंटरवल में हम माइकिंग कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। ओडिशा के तटीय इलाकों में लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। किन किन राज्यों में असर होने वाला है वो भी देख लीजिए। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु, इन 7 राज्यों में इस दाना तूफान का असर रहने वाला है, इसलिए आपको सतर्क कर रहा हूं। अब कहां कहां असर पड़ेगा ये समझ गए, लेकिन अब इस दाना से आम जनजीवन कैसे बेहाल हो गया है और कौन कौन सी सेवाएं बंद कर दी गई हैं वो भी आपको समझा देता हूं, वो भी आप जान लीजिए। चलिए, दाना तूफान की दस्तक से 24 अक्टूबर की शाम 5 बजे से यात्री सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सुनते जाइएगा, सावधान रहिएगा। 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक फ्लाइट्स और ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। लगभग 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 300 फ्लाइट्स और 552 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ज्यादातर ट्रेनें ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कैंसिल की गई। तूफान के खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात की गई। 14 जिलों के स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए। 10 लाख, आंकड़ा सुनिएगा, 10 लाख लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट किया गया है। यह सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझिए कि यह तूफान से खतरा कितना ज्यादा है। लाखों लोगों पर इस तूफान का असर पड़ने वाला है। कई प्रतिशत आबादी इस तूफान से प्रभावित हुई और तूफान की आहट के साथ लोगों के बीच बेचैनी भी बढ़ गई है। ये दो तस्वीर भी देखिए आप, जहां एक तरफ तूफान बस आने ही वाला है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में इस तूफान की वजह से डर का माहौल है, डर का माहौल है। लोगों को अपना आसियाना छोड़ राहत कैंप में रहना पड़ रहा है, राहत कैंप में रहना पड़ रहा है। देखिए, तूफान की बात कर ली, इसकी तबाही की भी बात कर ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर पड़ेगा उस पर बात करना भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। कौन से 8 जिले हैं ये भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़,
सख्ती सारंगढ़, बिलाईगढ़ और गरियाबंद में दाना तूफान की तबाही का असर देखने को मिल सकता है। 25 से 27 अक्टूबर तक इन जिलों में बारिश की संभावना है और इस तूफान की वजह से इन 8 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भाई साहब, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को बता रहा हूं। इस तूफान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने भी अनुमान लगाया है। क्या कहा है, सुनना चाहते हैं? सुनिए मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनाइए। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में सारे ओर ये फर्क पड़ने वाला है। जो आपको क्लाउडीनेस दिख रहा है, जिसमें साउथ छत्तीसगढ़ है और नॉर्थ छत्तीसगढ़, इसमें स्पेशली जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, चांपा, जांजगीर और उसके बाद ये जो गरियाबंद का इलाका है, यहाँ पर ही रेनफॉल होने के चांसेस हैं। स्लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसेस हैं। रायपुर में भी ये कल धीमी और जो मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। सब कुछ बता दिया, समझा दिया। अब बस इतना ही कहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा।